ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग अब जल्दी से ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और अभी हम लोग RRB NTPC और ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको अब बता भी देता हूँ कि आज मैंने जितना भी क्वेश्चन ले रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर है, ठीक है। ये आपका RRB JEE का आज मैं सारा पेपर लिया हूँ, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो, ये आपका जो फॉर्मेट है वो RRB JEE का पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग JEE पेपर का ही मैथ के क्वेश्चन को आपका सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखो यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ उसका क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने ₹25 के बिल का भुगतान किया जिसमें से कर योग्य वस्तुओं का पर 6% की दर से बिक्री कर के रूप में 30 पैसे शामिल थे, तो कर मुक्त वस्तुओं का मूल्य कितना था, बताओ। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पर्सन पेड अ बिल ऑफ ₹25, मतलब बोल रहा है कि कोई आपका एक पर्सन है जो कि ₹25 का बिल आपका भुगतान कर रहा है। अब क्या बोल रहा है उसमें, दैट इंक्लूड 30 पैसे एज अ सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 6% ऑन अ टैक्सेबल आइटम। अब जाहिर सी बात है जो ₹25 का जो बिल आपका जो दे रहा है, पे कर रहा है, उसमें आपका कुछ सामान टैक्स फ्री आइटम है और कुछ सामान आपके टैक्सेबल आइटम है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जो आपका जिस भी वस्तु में उसमें टैक्स लग रहा है उसमें आपका 6% रेट कट से टैक्स लगता है, जो कि टोटल टैक्स होता है 30 पैसा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम, मतलब आपको उस वस्तुओं का दाम बताना है जो आपका टैक्स फ्री है, तो उसका दाम बताना है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी लोगों को समझ आ गया होगा, मुझे बताओ उसका आंसर क्या होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो जैसा क्वेश्चन में बोला बस वैसा करो, यहाँ पर आपका आसानी से बन जाएगा। जैसे कि आप भी समझ चुके हो कि टोटल कितना बिलिंग हुआ, ₹25। आप मुझे बताओ ₹25 में क्या क्या है, एक तो आपका टैक्स फ्री आइटम होंगे, ठीक है, मैं TF लिख रहा हूँ जैसे टैक्स फ्री आइटम, और यही हम लोगों को निकालना है। प्लस दूसरे वाले क्या होंगे, जिसमें टैक्स वाले आइटम होंगे जिसमें टैक्स लग रहा है, और लास्ट में प्लस जो टैक्स में जो आपका रेट लगा है 6% का, वो कितना है, 30 पैसे है। तो यही सब मिला के मेरे कितने रुपए होंगे, तो ये होंगे ₹25। अब आपको समझ आया, उम्मीद करता हूँ अब तो यहाँ से आप हिंट्स आपको मिल ही गया होगा। तो बस अब सॉल्व करो, आपको पता चल गया ये टैक्स वाले आइटम में 6% का रेट से 30 पैसा लगा, तो मैं ये सब चीज़ हटाता हूँ अब, ठीक है। तो आप मुझे बताओ 6%, मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स है, इसका 6% किसके बराबर होगा, 30 पैसा के बराबर होगा। तो देखो ना, आप इसको सॉल्व कर लो, ये 100 वहाँ चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 6 से काटेंगे कितना बार आ गया, मतलब 500 पैसा हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ 500 पैसा मतलब कितने रुपए के बराबर हो गया, 5 रुपए के बराबर हो गया। यानी आप कह सकते हो जो टैक्स वाला आइटम था वो 5 रुपए का ही था, तभी तो 5 रुपए का जो टैक्स वाला आइटम था, तो 6% के हिसाब से 30 पैसा इसमें बिल लगा है। अब आप समझ चुके हो, यानी अब मैं बोल सकता हूँ 25 रुपए में 5 रुपए आपके टैक्स वाले आइटम थे, तो 25 में से 5 जगह तो कितना बचेगा, 20 रुपए बचेगा। मगर ध्यान दीजिएगा, अभी भी 20 रुपए नहीं होगा, प्लस 30 पैसा तो आपका टैक्स भी तो लगा था ना जो 5 रुपए का था, तो 30 पैसा और घटा दो, यानी ₹19.70 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जब चीज़ें समझ नहीं आए तो उसको ब्रेक कर लो, कि जैसा जैसा बोला बस वैसा करो। यकीन मानिए जब इस तरीका से आप करने लगोगे तो आपको खुद ही सब कुछ समझ आने लगेगा कि किस तरीका से सारे क्वेश्चन को डील करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला, वेंकटेश ने भूमि का एक टुकड़ा 12 लाख रुपए में बेचा, उसने विक्रय मूल्य का 1/3 अपनी पत्नी को दिया और शेष का 2/5 अपने बेटे को कारोबार में निवेश किया, तथा शेष का 1/6 कुल मतलब 1/6 स्कूल की संस्कृति गतिविधियों के लिए दान कर दिया, तो दान रुपए में उसने कितनी राशि दी थी। तो क्वेश्चन समझ गए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सभी लोगों को समझ आया होगा। तो देखो, जमीन का टुकड़ा का दाम कितना है, 12 लाख रुपए। अब देखो यहाँ पर होता क्या, कई लोग सोचते हैं एक्स लेके बनाते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं पहले भी बताऊँ, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले कहीं भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो आप क्या करो, सिंपल सा एक वैल्यू ले लो। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला, 1/3 अपने पत्नी को दे रहा, फिर क्या 2/5 अपने बच्चे के बिजनेस में लगा रहा, और फिर बचे हुए जो पैसे हैं 1/6 वो आपका स्कूल में डोनेशन दे रहा। तो आप क्या करो, ये सभी का एलसीएम ले लो, यानी 5 × 3 = 15, 15 × 6 मतलब आपका, मतलब क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 6, 5 = 30 हो जाएगा, यानी एलसीएम हो गया 30। तो आप मान लो कि उसका जो बिजनेस, मतलब सॉरी, जो उसका जमीन का टुकड़ा है उसका दाम आप मान लो 30 रुपये है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा वैसा करते जाओ, तो 30 रुपये हम लोगों ने मान लिया। तो 30 रुपये में सबसे पहले अपने बीबी को कितने दिया, वो उसने 1/3 दे दिया, यानी 10 रुपये ख़त्म। बचे कितने, 20 रुपये। 20 रुपये में 2/5 भाग
अपने बेटे के बिजनेस में लगा दिया, तो 2-5 लगा दिया तो मतलब बचा कितना उसके पास, 3-5 बचा, तो ये कितने का बराबर है, 12 रुपये का बराबर है। यानी अब उसके पास 12 रुपये बचे, 12 रुपये में 1/6 स्कूल में दे दिया, तो 1/6 कितना हो गया, आप सॉल्व कर लो, यानी 2 रुपये उसने पूरा डोनेशन में दिया है। तो इसी 2 रुपये का आपको वैल्यू बताना है। अब आपको पता, आपने 30 रुपये क्या माना था, ज़मीन का टुकड़ा का दाम माना था, तो ये 12 लाख किसके बराबर होगा, 30 रेशियो मतलब जो 30 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं 1 रेशियो का वैल्यू निकालूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कट के आपका ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये हो जाएगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू 40,000 होगा तो 2 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80,000। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो, छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री है, इस तरीके से पूछा गया था, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है, कंडीशन भी सब कुछ दे रखा है, साथ में बोल रखा है ए इज एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हम लोग जानते हैं न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है, यानी ये आंसर तो कभी होना से था नहीं, कभी था ही होगा ही नहीं। चलो बताओ, अब देखो क्या दे रखा है, sin 2a और 2 sin² a। तो हम लोगों को पता है प्यारा सा एक फॉर्मूला होता है आपका, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a into cos a। ये आपको पता होना चाहिए, जब अगर ये नहीं पता रहता तो फिर आप बनाने से रहे नहीं। तो यहाँ पर आप पुट कर दो सिंपल, तो ये sin a into cos a और ये 2 sin² a, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, स्क्वायर है, ठीक है, इधर जगह। तो यहाँ से मैं अगर कॉस को नीचे ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, 10a होता है। तो आप कह सकते हो 10a 1 के बराबर है, तो 10a का वैल्यू मतलब थीटा का, 10 कौन से थीटा पर आपका 1 वैल्यू आता है, 45 पे आता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि RRB JEE में जो ट्रिग्नोमेट्री जो पूछा गया था उसमें थोड़ा सा आपका आपका 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ वैल्यू आपको मतलब फॉर्मूला आपसे लेके पूछा गया था, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि साइन 2a का मे भी आप लोगों को नहीं पता हो, ठीक है, जो लोग आपका साइंस बैकग्राउंड से तो उन लोगों को तो पता होगा, मुझे पता है, बट जो लोग शायद कॉमर्स या फिर आर्ट्स से होंगे तो उनको शायद नहीं पता होगा। तो मैं बोलूँगा थोड़े थोड़े जो वैल्यू होते हैं डायरेक्ट आप उसको थोड़ा सा ज़रूर से देख लेना, cos 2a, tan 2a, तो ये सब का यूज़ करके आपका JEE के एग्ज़ाम में देखने मिला था सारा क्वेश्चन, ठीक है, मैं कराया भी बहुत सारा सेट, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं केवल दिखा रहा हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब ये क्वेश्चन आपका एक रीजनिंग का है, ठीक है, तो मैंने बीच में ऐसे ही आपका ले लिया है, केवल आप लोग देखो इसका आंसर बताओ। जब मैं क्वेश्चन ले रहा था तो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा तो मैंने बस केवल ऐसे ही ले लिया, ठीक है, तो आप लोग उसका जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या होगा। ये आपको दे रखा है 2 पैटर्न, ठीक है, ये आपका सेम पैटर्न में दे रखा है, आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी बेस्ट कंप्लीट द रिलेशनशिप गिवन बिलो। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने जैसे कि दिख रहा होगा, आप लोग देखो जल्दी से, ट्राई करो, बताओ इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, ये 13 है और ये 33 है, 33 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 46 हो गया, आपको दिख रहा होगा 46, और इन्हीं 4-6 को मैं गुना कर दूंगा तो मेरा क्या बन गया, 24 बन गया, पैटर्न समझ आ गया। यानी 37 और 11 को जब जोड़ोगे तो क्या बन गया आपका, 37 और 11 को जब जोड़ोगे तो क्या बन गया, 48 बन गया, अब इन्हीं 48 को गुना करोगे तो क्या 32 बन गया, यानी इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ का, इसको ट्राई करो, यहाँ पर बोला है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में कोई राशि मूलधन से 33 1/3% गुनी बढ़ जाएगी, समझ गए, इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम इंक्रीज बाय 33 1/3% ऑफ द प्रिंसिपल एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, बताओ। मतलब कोई राशि अगर मान लो 100 रुपया है तो आपसे पूछ रहा है कि कितने सालों में ये राशि आपका 33 1/3% बढ़ जाएगा अपने प्रिंसिपल से। मतलब मैं कह सकता हूँ 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है, यानी अगर प्रिंसिपल पहले 3 था तो अब 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो वही पूछ रहा है आपसे, बताओ उस कितने सालों में ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, अगर आपका कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप खुद से वैल्यू ले लो, खुद से पुट करके देख लो कि कितने सालों में बढ़ जा रहा, बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। और वरना मैं आपको इसका भी पहले से फॉर्मूला बता चुका हूँ, बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिसका मदद से आपको इस तरीके का क्वेश्चन में कभी भी रेट टाइम कितने टाइम्स बढ़ रहा है, कितने टाइम्स आपका और मतलब रेट में चेंजेस या फिर टाइम में चेंजेस, आप उसका आसानी से बना सकते हो। जैसे कि अभी मैंने बताया कितना हो गया, 4/3 हो जा रहा है प्रिंसिपल का, कह सकता हूँ मैं ये चीज़।
तो मैंने आपको क्या बताया था, n माइनस वन हंड्रेड आर इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे टाइम पूछा है, अगर टाइम पूछे तो t यहाँ रहेगा, अगर आपसे r पूछे यानी रेट पूछे तो रेट को वहाँ ले जाइएगा, टाइम को नीचे ले आइएगा, ले के आइएगा, ठीक है। अब बस अब सॉल्व करो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो n मतलब क्या होता है यहाँ पास, जितना टाइम सबका वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो वन बाई थ्री था, मतलब वन बाई थ्री टाइम्स बढ़ जा रहा, तो मतलब कितना हो जा रहा, फोर बाई थ्री हो जा रहा। तो फोर बाई थ्री माइनस वन, ये हंड्रेड है, और नीचे कितना साल आपको दे रखा था, सॉरी रेट आपको पाँच दे रखा था, तो पाँच आप इसको सॉल्व कर लो, तो चार बटा तीन से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक बटा तीन, मतलब एक बटा तीन गुना सौ और नीचे पाँच, पाँच से काट देंगे बीस, यानी बीस बटा तीन, एक सेकेंड, यानी टोटल कितना लगेंगे, बीस बटा तीन वर्ष लगेंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो, ये छोटा सा क्वेश्चन है एवरेज का। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखा है सब कुछ, एवरेज बता दिया गया है 44, आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, यानी सबसे छोटा संख्या पूछ रहा है। तो देखो बी इक्वल टू टू ए और इक्वल टू थ्री सी, यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको डायरेक्ट से करना है तो बी इक्वल टू क्या हो गया वन, ए क्या हो गया वन बाई टू, सी क्या हो गया वन बाई थ्री, ये इस तरीका से मान लो आपका रेशियो है। अब आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर तीन दो क्या हो गया छः, तो छः को मैं गुना कर दूंगा तीनों नंबर में, तो ये छः हो गया, ये तीन हो गया, ये दो हो गया, यानी वो तीनों नंबर आपका इसी अनुपात में है। एवरेज कितना दे रखा है, चौरालीस दे रखा है, यानी एवरेज जब चौरालीस है तो मैं सम कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो छः तीन नौ और नौ दो ग्यारह, यानी ग्यारह रेशियो किसके बराबर, एक तो 132 के बराबर, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर यही वाला दिख रहा है, यानी दो रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो, ये क्वेश्चन को ट्राई करो बिना फॉर्मूला देखे, ठीक है। अभी जिस भी तरीका से हो, आपको कोई नोट्स बुक नहीं खोलना, डायरेक्ट आपको देखना है, बताना इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं आपको कितना सब कुछ याद है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बर्तन में कुछ मात्रा में शुद्ध दूध रखा है, 8 लीटर शुद्ध दूध निकालने के बाद दूध को पतला करने के लिए 8 लीटर पानी डाला जाता है, और एक बार फिर 8 लीटर मिश्रित दूध को निकाल दिया जाता है और 8 लीटर पानी डाला जाता है। दूसरे मिश्रण में शुद्ध दूध का मात्रा 39 मतलब 49 लीटर है, तो मूल रूप से बर्तन में शुद्ध दूध का मात्रा कितनी थी। पहले आप लोग क्वेश्चन समझ लें, यहाँ पर क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, कोई आपका मिक्सचर है जिसमें आपका केवल प्योर मिल्क रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है नहीं पता, 8 लीटर उसमें से मिल्क निकालते हैं और उसके जगह पर 8 लीटर पानी डालते हैं, फिर से आपका यही प्रोसेस को एक बार और करते हैं, फिर से 8 लीटर मिक्सचर निकालते हैं, उसके जगह पर 8 लीटर पानी डालते हैं। अब आपका फिर जो लास्ट में जो आपका जब दो बार इस तरीका से करते हैं, तब पता चलता है कि 49 लीटर आपका दूध रह गया था आपका उस बर्तन में। आपसे वही पूछ रहा है कि बताओ व्हाट अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क वाज इन द कंटेनर ओरिजिनली, मतलब आपसे पूछ रहा है कि शुरुआती में उस कंटेनर में कितना प्योर मिल्क था ये बताना था। तो अब बताओ सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, बेसिक से कोई ज़रूरत नहीं बेसिक से सॉल्व करना, इसका डायरेक्ट डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी कर सकते हो, वरना आप चाहो तो अगर आपको फॉर्मूला अगर भूल भी गए हो तब जाके बेसिक से करना। बेसिक से करते समय एक चीज़ याद रखना हमेशा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंटेनर में जिस भी रेशियो में आपका जो भी मिक्सचर आपका अवेलेबल रहेगा उसी रेशियो में आपका वो बाहर भी निकलता है, बस ये चीज़ को याद रखिएगा, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता नहीं है कि पहले आपका इनिशियल में था कितना, तो फॉर्मूला में क्या होता है, जब भी अगर इस तरीके से कंडीशन हो कि कुछ चीज़ निकाल रहे हैं उसके जगह पर ये कर रहे हैं, 8 लीटर निकाले 8 लीटर डाले, फिर 8 लीटर मिक्सचर निकाले फिर 8 लीटर पानी डाले, यानी दो बार हुआ है, तो फॉर्मूला में क्या होता है मैं लिख देता हूँ, आप लोग उसको नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, एक्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स और ये एन टाइम्स, ठीक है, यानी जो मिल्क आपका बचेगा लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं मिल्क लिख रहा हूँ, मिल्क जो आपका बचेगा वो इसी तरीका से बचेगा, एक्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स और ये एन। अब मैं बता देता हूँ एक्स आपका क्या होता है, तो एक्स आपका टोटल जितना मिक्सचर रहेगा वो होता है एक्स, ठीक है। वाई क्या होता है, तो वाई आप जितना निकाल रहे हो, यहाँ पर 8 लीटर निकाल रहे हो यानी वाई का वैल्यू 8 आपको दे रखा, और n का मतलब क्या होता है, आप ये कितने बार कर रहे हो, यानी ये आप दो बार कर रहे हो क्योंकि पहले बार आपका निकाला गया था फिर डाला गया, तो फिर निकाला फिर डाला गया, क्लियर। अब आप निकाल लो, तो ये आपका m, याद रखिए ये मिल्क लेफ्ट है,
क्योंकि ओरिजिनली आपका क्या था, मिल्क था, तो ये हो गया मिल्क लेफ्ट। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है आपको बोल देगा कि पानी आपका उतने बचे हुए हैं, तो याद रखिएगा जितना मिल्क होगा आप उसमें से लेस कर दीजिएगा तो वो आपका क्या होगा, वाटर होगा। समझ रहे हो बात को? अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देख लो, एक्स का अगर मैं इसी जगह रखता हूँ तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा मेरा 49 के बराबर, ध्यान दीजिएगा। तो अब सॉल्व करो, वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एन का जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, क्लीन अच्छे तरीके से लिखता हूँ। तो एक्स का वैल्यू एक्स रहने देंगे, एक्स वैसे ही रहने देंगे, 8 यहाँ से माइनस करेंगे, नीचे भी एक्स रखेंगे और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स कर रहे थे और ये 49 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो देखो ये ऊपर में स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो x से x एक बार कट जाएगा और एक x आपका वहाँ चला जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो? चलो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो इससे इसके कारण। अब आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर देख सकते हो x का a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x इक्वल टू 49x। अब मैं इस 49 को अगर मैं इधर लेके आना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 65x और प्लस 64 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो ये आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका। तो x का वैल्यू निकाल लो। अब आप देख भी रहे हो तो यहाँ 64 है, तो 65 बनाना है, कैसे बनाओगे, 64 प्लस 1 करोगे तभी 65 बनेगा, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस कर दोगे तो माइनस का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू एक आपका 64 होगा और एक आपका 1 होगा, तो 1 को आप हटा सकते हो। यानी मैं कह सकता हूँ एक्स का वैल्यू क्या होगा 64 और एक होगा आपका 61, मतलब 64 और होगा एक होगा आपका 1 होगा, तो एक तो पॉसिबल नहीं है। यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा 64 लीटर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो आप लोग। अब यहाँ पर क्या बोला, यदि संख्याओं का एक समूह में महत्तम संप्रवर्तक जिसको बोलते हैं HCF 8 है, तो भिन्न निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम संप्रवर्तक नहीं हो सकता। चलो बताओ, ये तरीका है, बस आप लोग बताओ देख के, अगर चीज़ें समझ में है तो आप जल्दी से बता सकते हो। ये HCF है, ये HCF है आपका 8, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से LCM कौन नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि LCM में एक्चुअली होता है क्या है, HCF भी उसमें गुना रहता है। यानी आप समझ सकते हो, अगर आप जो भी ऑप्शन को देख लो, अगर जो भी ऑप्शन अगर आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब वो कभी भी उसका LCM नहीं हो सकता, सीधा सीधा बात है। क्योंकि LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ HCF इनटू जो भी नंबर होगा। तो आप समझ देख लो, तो 200 आपका 8 से कटेगा, तो 8 2 16 4 0, यानी कट गया 25 बार में, यानी ये तो ठीक है। 360 आपका कटेगा तो ये भी कट जाएगा, 8 4 32 और ये भी ख़त्म हो गया। 56 8 7 56 ये भी कट गया। 150 तो 150 आपका नहीं कटेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से ट्राई करो। यहाँ पर बोला, दो दिन एक साथ काम करते हुए पी और क्यू को कार्य पूरा करने में 1200 और 400 रुपये मिलते हैं, तो क्यू को अकेला काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो ये पी है और ये क्यू है, कितने कितने रुपये मिल रहे हैं, तो पी को मिल रहे हैं 1200 रुपये और इसको मिल रहे हैं 400 रुपये। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन लोगों का वेजेस का क्या निकालता हूँ, रेशियो निकाल लेता हूँ। तो 400 से काट देंगे दोनों जगह, तो ये क्या हो जाएगा 3:1। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कभी भी किसी भी पैसे जब बढ़ते हैं किसी के बीच में, कोई मजदूर के बीच में, तो उनके क्षमता के अनुसार बढ़ते हैं, यानी उनके इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग उसके पैसे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब आपका जो पी है वो 3 काम कर रहा होगा और क्यू आपका 1 काम कर रहा होगा, साफ साफ पता चल रहा है। यानी आपका अगर मैं बात करूँ तो पी अगर 3 काम कर रहा, अगर क्यू आपका 1 काम कर रहा, तो क्वेश्चन में पहले से बोल रखा था कि वर्किंग टुगेदर फॉर 2 डेज, यानी उन लोग 2 दिन में काम को ख़त्म करते हैं जिनका कारण उनको 1200 और 400 रुपये मिलते हैं। यानी अगर एक दिन में ये लोग काम करेंगे मिलकर तो कितने काम कर पाएंगे, 4 काम कर पाएंगे, तो 4 × 2 मतलब कितना हो गया 8, यानी टोटल वर्क निकल के आ गया 8। आपसे पूछे क्यू अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो क्यू आपका एक काम कर रहा है तो 8 काम करने में 8 दिन लगाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। एक छोटा सा इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन है, देखो कितना नॉर्मल सा दे रखा है। यहाँ पर दे रखा अंडर रूट 15 का वैल्यू दे रखा है, आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, बताओ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रेशनलाइज कर दूंगा, तो ये आपका क्या माइनस में है, तो मैं ऊपर नीचे √5 + √3 से ऊपर नीचे मैं गुना कर दे रहा हूँ। क्लियर, तो ऊपर देख लो a + b का होल स्क्वायर बन चुका है, तो अब जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या बन गया 5 + 3 2 × √15।
नीचे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी 5 माइनस 3 मतलब 2 हो गया। यहाँ देखो 8 और यहाँ पर 2 है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बच जाएगा, 4 प्लस रूट 15, और नीचे आपका जो 2 था वो इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब रूट 15 का वैल्यू आपको पहले से दे रखा है, कितना 3.87, तो 4 प्लस 3.87 क्या हो जाएगा, 7.87, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन में मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन में हल्का से आपको एरर दिखेगा, आप जब बनाओगे खुद से तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में एरर कहाँ है। या फिर रुको मैं बता ही देता हूँ आपको, ये वाला लाइन को आप केवल काट दो, ये वाला लाइन को आप इतना काट दो, और यहाँ से आप ये वाला लाइन को काट दो। अब आप लोग इसको सॉल्व करो, आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, केवल इसलिए मैं इसको काट दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको बनाओ एक बार, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग ट्रेन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे वही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ भी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पी सुबह 9 बजे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक्स से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वाई की ओर चलना शुरू करता है। क्यू सुबह 9:45 बजे एक्स से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। वाई तक पहुँचने के बाद पी एक्स की ओर वापस चलना शुरू करता है, तो वे एक दूसरे को कब मिलेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि कोई जगह एक्स है और कोई प्लेस आपका वाई है, इन दोनों प्लेस के बीच में दूरी कितना का है, 5 किलोमीटर का दूरी है। अब कोई एक पी नाम का व्यक्ति है, मान लो कोई पी नाम का व्यक्ति है जो कि सुबह 9 बजे निकलना शुरू करता है एक्स से वाई की ओर, जिसका स्पीड आपको बता दिया गया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलता है। अब एक और व्यक्ति है जिसका नाम है क्यू, वो आपका एक्स से ही चलना शुरू करता है वाई की ओर, वो आपका सुबह 9:45 में निकलना चालू करता है। अब इसी दौरान में जो पी था वो आपका एक्स से लेकर वाई तक पहुंचता है, और फिर वाई के पास फिर से वापस लौट के आता है, मतलब वापस लौट के आता है। तो इसी दौरान आपसे केवल क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताओ वो किस क्यू से, मतलब वो जो क्यू है वो उससे कितने समय पर मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। When do they meet, क्लियर, बताओ उसका आंसर क्या होगा। और ये जो मैंने लाइन काटा है इसलिए काटा क्योंकि अगर आप इसको भी रख दोगे तो मतलब क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, जो आपका क्या नाम था क्यू, क्यू भी आपका वाई तक जाता है और फिर वाई से लौट कर आता है, तब जाके मिलेंगे। तो मगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग में देखोगे तो फिर आपको फिर मिलेगा ही नहीं, यानी ये वाला लाइन आपका कहीं ना कहीं नहीं होगा, क्लियर। आप देख सकते हो ऑप्शन में खुद ही पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो कितना देर में मिलेगा, अब आपसे ये पूछा है तो आप समझ सकते हो 10 बजे 10 बजे 10 बजे सभी ऑप्शन में 10-10 पार है। तो आप क्या करो, सिंपली आप क्या करो, 10 बजे तक देख लो सभी का पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है, 10 बजे तक आप देख लो किसका कौन सा पोजीशन है, ठीक है। तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, जो पी है वो आपका वाई की ओर तक पहुँचता है फिर वाई से लौट कर आता है, तो आपको ये भी पता है कि पी का स्पीड कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो पी है वो 9 से 10 बजे तक में यानी एक घंटा में x से y तक चला जाएगा। बोलो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। चलो मैं मान लिया हूँ कि एक घंटा में वो आपका पहुँच गया पूरा y की ओर। अब इसी दौरान में जो q था वो 9:45 में निकलना स्टार्ट किया है, तो 9:45 में जब निकलना स्टार्ट करता है तो आप मुझे बताओ 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से वो चलता है, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस कितना है, 5 का डिस्टेंस है, यानी जाहिर सी बात है ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस को कितना दूर कितना समय में तय कर लेगा, तो जस्ट 30 मिनट में तय कर लेगा, क्योंकि एक घंटा में 10 किलोमीटर चल रहा है तो 5 किलोमीटर कितना समय में चलेगा, आधा घंटा में चल पाएगा। अब देखो यहाँ पर वो 9:45 से निकल रहा है, तो 9:45 से 10 बजे तक में कितना होगा, यानी केवल 15 मिनट ही चल पाया होगा, तो अब जाहिर सी बात है 15 मिनट में वो कितना चलेगा, तो जस्ट इसका आधा चल पाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ वो केवल 2.5 किलोमीटर ही चल पाएगा, क्लियर। यानी अब आप समझ सकते हो, मान लो ये यहाँ पर आपका कौन है, ये आपका वाई है और यहाँ से आपका एक्स आपका आ रहा है। अब आप जानते होंगे अगर टाइम एंड डिस्टेंस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है, जब आपको समय पता चल गया कि 10 बजे तक में किसकी क्या पोजीशन है, 10 बजे तक में किसकी क्या पोजीशन है, और दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस भी पता है कि डिस्टेंस कितना है, केवल 5/2 का डिस्टेंस है, और आपको साथ में ये भी पता है कि दोनों अब एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो यानी 5/2 किलोमीटर तो कितना समय लगेगा, आप समझ सकते हो दोनों एक दूसरे से मिलेगा क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, यानी 5/2 मैं बोल सकता हूँ, और स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी 10 और 5
कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको मैं समझाना चाहता था, तो मैं सबको हटाता हूँ अब आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5/2, और आपका कितना था स्पीड, 15। तो 15 को जब मैं गुना करूँगा तो ये 15 यहाँ आ जाएगा। अब यही समय आपका लगेगा 10 बजे के बाद, क्योंकि 10 बजे से हम लोग दोनों को टाइम मिला चुके थे। अब आपको पता है ये टाइम कितना में आएगा, घंटा में आएगा, तो मिनट में चेंज कर लो, 60 से गुना करके, तो 15 2 30, तो 30 से काटेंगे 2 बार में, यानी 5 गुना 2 10 मिनट, यानी ठीक 10 बजे के बाद 10 मिनट और लगेगा, वो लोग एक दूसरे की ओर पहुंच जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा, 10:10, यानी सुबह आपका पहुंचेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, अब आप समझ सकते हो, अगर आपका अगर वो अगर जो क्या नाम था क्यू, क्यू अगर आपका लौट कर वाई से आता तो इसको तो कितना घंटा लगता है, 30 मिनट लगते हैं, तो 30 मिनट में वो 10-15 तो ऐसे ही हो जाता, यानी उसको पहुंचने में, वाई तक पहुंचने में 10-15 लगता। तो आपको लगता है ऑप्शन में देख के कि ये 5 मिनट में आपका वो पहुंच जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 बजे तक वो पहुंच गया था, क्या नाम था पी, वो पहुंच चुका था वाई तक, तो वाई से वो लौटेगा तब तक तो ज़्यादा समय लग जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको हटा के रखना था। ठीक है, बाद बाकी सब कुछ क्वेश्चन में सही था और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से ट्राई करो, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 20 डिग्री और ये कॉसेक 70 डिग्री, और ऊपर में देखो स्क्वायर है, ठीक है दोनों में। तो यहाँ पर आप देख के भी बता सकते हो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ब्रेक करना चाहूँ, तो क्या हो जाएगा, sin 20 और ये क्या हो जाएगा, cos 20। अब आपको पता है कॉसेक 70 डिग्री है, तो क्या कर रहे हो आप, इसको इसको आप क्या कर सकते हो, सेक में बदल लो, तो सेक सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, यानी अगर आप इसको बदलना चाहोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक 20 बन जाएगा। क्लियर, तो ये उम्मीद करते हैं सब पता होगा। तो sec 20 कितना होता है, 1/cos 20 के बराबर होता है, तो ये कट गया, तो बचा क्या, केवल sin 20 बचा, ऊपर आपका स्क्वायर है, मतलब मैं बोल सकता हूँ sin²20। क्लियर, अब आपको उसी तरीके से यहाँ भी देखो, कॉट है, तो कॉट है तो मतलब कॉस बाई साइन हो जाएगा आपका, और ये क्या है, sec 70 है, तो sec 70 किसमें बदल जाएगा, cosec 20 में बदल जाएगा, तो cosec 20 क्या होता है, 1/sin होगा, तो इसी तरीके से यहाँ भी आपका क्या होगा, साइन साइन कट जाएगा, यानी आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos²20। अब आपको पता है sin²θ प्लस cos²θ क्या होता है, 1 होता है, यानी इतना का वैल्यू 1, और यहाँ 10 15 डिग्री है, और यहाँ पर 10 75 है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot θ, यानी 10 15 है, आप इसको 75 में बदल लो, या फिर 75 को 15 में बदल लो, तो 10 cot क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर +2 था, यानी 2 1 3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर, नेक्स्ट इसको ट्राई करो, यहाँ पर क्या बोला, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का बीच का अंतर 23 मीटर है, यदि इसकी परिधि 206 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताओ, ये लंबाई और चौड़ाई में अंतर दे रखा है, यानी एल माइनस बी आपको दे रखा है 23, इसका परिधि 206 मीटर है, तो परिधि क्या होता है, 2l + b 206, ठीक है 206 है, तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा, यानी l + b भी आपको पता चल गया 103 है। तो बस अब सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, L का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, यानी 126, 126 मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये 63 हो जाएगा, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, 23 का अंतर था, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बस आपसे वही पूछा था कि उसका एरिया कितना होगा, एरिया पूछा था, ठीक है, तो एरिया मतलब 0 हो गया, 4 3 12, 6 6 24 25, यानी 2 2520 m² करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अब हम मुझे आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और आज इसीलिए मैंने आपका सारा क्वेश्चन प्रीवियस पेपर लिया, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस बनता रहेगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आने वाले समय में मैं आपको इसी तरीके से सभी प्रीवियस पेपर को फिल्टर कर करके क्वेश्चन मैं आपको दिखाता जाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों का रिविजन भी होता रहेगा और आपको चीज़ें भी अच्छे तरीके से समझ आते रहेगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपने तरफ से केवल जितना हो सके प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं होगा मैं फिर से बता रहा हूँ, सब कुछ अच्छा होगा, केवल अपने आप पर भरोसा रखो। ठीक है, चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को माइंड अप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन करो, मैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, साथ में आप मुझसे जुड़ भी सकते हो सोशल मीडिया साइट में, मैं आपको वो सबका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, जो भी कुछ पूछना है आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।